हाय गाइस, मैं गौरव और दोस्तों आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, हमारा पहला वीलॉग है, तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। यहाँ पर बहुत प्यारी लोकेशन है, माउंटेन्स है, रिवर्स है और थोड़ा आप देखें किस तरह से ये नज़ारा नज़र आता है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और दोस्तों आपके लिए मैंने एक नया चैनल स्टार्ट करा है, वीलॉग टाइप का है। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी कवर करूँगा जो मैं गार्डनिंग के अलावा करता हूँ। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी लोकेशन लेके आया हूँ जो आपको शायद बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये नेचर से बहुत ज़्यादा करीब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का वाटरफॉल हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसे इंजॉय करिए। ओके दोस्तों, तो वीलॉग को जिस तरह से है, सबसे पहले तो मैं एक प्रोफेशनल वीलॉगर नहीं हूँ, तो अगर कुछ गलती है तो उसके लिए अभी से सॉरी। अब यहाँ पर मेरे घर से नियरली 20 से 25 किलोमीटर दूर ये लोकेशन है, इसका नाम है चांदनी विलेज, जो कि बेस्ड है उदयपुर में और ये राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर के बीच में ही आता है। ओके, तो हमने जर्नी स्टार्ट करी थी कुछ नेशनल हाईवे से, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सीनरी शो कर रहा हूँ जिससे आपको भी लगे कि आप भी उस जर्नी का एक हिस्सा हो। दोस्तों यहाँ मानसून की सीज़न में उदयपुर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक लोकेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, माउंटेन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बादल आए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा तालाब मिला, जिसमें बहुत ब्यूटीफुल से वाइट कलर के कमल के छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए थे। छोटे तो क्या है, ये बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, बट मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करने वाली चीज़ है। अगर दोस्तों ये वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और आगे आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। नियरली दोस्तों हमने 10 किलोमीटर के बाद सोचा कि एक टी ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर हमें रोड साइड बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा रेस्टोरेंट नज़र आया, वैसे ये ढाबा टाइप है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाय मिलती है, तो हमने सोचा यहाँ पर चाय पी लेते हैं और यहाँ पर देखें किस तरह से ये चाय बनाते हैं। एकदम देसी तरीके से आज हम चाय पियेंगे, जो लकड़ी का भट्टी बना रखी है, भट्टी में चाय बनेगी, देखते हैं क्या टेस्ट करती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये किस तरह से चाय बनाई जाती है। और यहाँ पर इस चाय को पीने के बाद मुझे एक चीज़ का फ़र्क नज़र आया, जो हमारे घर में हम चाय पीते हैं और इस चाय में, यहाँ पर एक चारकोल वुडी टच होता है चाय के अंदर, जो यहाँ का जो स्मोक होता है वो चाय के अंदर जाके मिल जाता है और इस चाय को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है एज ए फ्लेवर। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की चाय वगैरह पीनी है तो आप ज़रूर ट्राई करो, इसमें बहुत ही नेचुरल सा टेस्ट आने लग जाता है। तो चलिए दोस्तों मैंने एक बात आपसे शेयर करी है, अब आपका टर्न है। आप मुझे ज़रूर शेयर करके बताना क्या आपको इस तरह की चाय पीने में कुछ मज़ा आता है, या फिर क्या आप स्पेशली ऐसी चाय पीने के लिए आउटडोर्स जाते हैं या नहीं। खाली इतना सा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आग के बारे में तो क्या कहूँ दोस्तों, आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कितनी तेज़ इसकी लपटें हैं, मतलब चाय बिल्कुल रेडी होने के कगार पर है। और यहाँ पर दोस्तों एक नेचुरल सी खुशबू भी आने लग गई है मुझे चाय की, जो बहुत ही प्लीजेंट स्मेल आ रही है। वैसे तो चाय का टेस्ट लाजवाब है, बट दोस्तों यहाँ पर माउंटेन्स को कट करके रोड बनाई जा रही है। यहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है, इसलिए ये काम कर सकता है वो। तो हमारे छोटे से ढाबे को अलविदा करते हैं और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, चांदनी विलेज। दोस्तों हम लगभग आ चुके हैं, ये यहाँ से पानी स्टार्ट हो जाता है। आप देखें एक स्लो मोशन मैंने छोटा सा रिकॉर्ड करा है, उसके बाद मैं आपको शो करूँगा किस तरह से झरना आता है और किस तरह से हम उसके साथ एंटरटेन करते हैं। ओके, तो बारिश गिर रही है अच्छी खासी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, तो ये हो रहा है छोटा सा वाटरफॉल, पानी वहाँ से आ रहा है, यहाँ पर इकट्ठा होता है, ये छोटा सा एनीकट है और उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे पाइप लगा रखे हैं जिनमें से पानी होता हुआ निकलता है। अभी दोस्तों ये जो वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ 10% है, जब बारिश आती है तब बहुत ही तेज़ यहाँ पर पानी निकलता है और
वो चट्टान नज़र भी नहीं आएगी, वो डूब जाएगी पूरी। यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी है और हम आए एक फ्रेंड के साथ जो खुद का व्लॉग शूट कर रहा है। और प्लांट्स आप देखें, यहाँ वाटर प्लांट है काफ़ी लंबे लंबे से, इनका नाम तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक यहाँ पर इनके सीड्स भी डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने सोचा थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और ये वाटरफॉल के और ज़्यादा करीब जाते हैं। मैं आपको शो करूँगा ये किस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े पाइप्स लगे हुए हैं जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा साउंड भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर भी आ रहा है। यहाँ पर जो वाटर गिर रहा है अभी ये दोस्तों 10% होगा, क्योंकि अभी तक तो रेनी सीज़न प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये जो थोड़ा बहुत पानी होता है माउंटेन्स के अंदर वो ही फ्लो हो रहा है। अब दोस्तों मस्त बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड टी शर्ट और ब्लू जीन्स में मेरा फ्रेंड है, उसका चश्मा यहाँ पर गिर गया। इसके अंदर वो फोटोशूट करने के लिए पास में आया इन पाइप्स के और उसका चश्मा उसके अंदर गिर गया। सबसे फनीस्ट मोमेंट यही था। ओके फ्रेंड्स, हम चांदनी विलेज पहुंच चुके हैं, मतलब एक पिकनिक स्पॉट है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था, मैं फील कर पा रहा था नेचर की साउंड, नेचर की आवाज़। मैं आपको अभी सुनाऊंगा नेचर की आवाज़ कितनी प्यारी होती है और आप एक्सट्रीम लेवल पर उसके अंदर खो जाएंगे। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इसका मतलब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे, ताकि मैं और ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँ ऐसे वीडियोस। वैसे ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।